एंड एवरीबॉडी वेलकम टू होई एंड कुछ कुछ होता है. विल यू मैरी मी? आई विल थिंक अबाउट इट. Hello, namaste and welcome or welcome back to the channel everybody. It's our day 4 in Vietnam and aaj hum jaane wale hain Hoi An. By the way, it's a very small town and very old town, like bahut hi sundar, bahut hi scenic. You come back hotel in the evening. Evening. एंड एवरीबॉडी वेलकम टू होई एन. और हम पहुँच गए हैं. जब मैं आपसे बात कर रही थी, आई वॉज इन द कैब. और दिनांग से होई एन पहुँचने के लिए हमें अभी सुबह का टाइम था और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, तो हम कुछ 40 मिनट्स में पहुँच गए. एंड इट्स वेरी लाइक नियर टू दिनांग. और यहाँ पे हम पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल, वेरी नाइस एंड वेरी यूनिक ओल्ड लाइक ऐसा सिटी. और बाकी तो एक्सप्लोर करते करते आपको बताएंगे कि कैसा है क्या है. अभी जस्ट मैंने ये वाली कैब यहाँ से खरीद ली क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा हार्श है और धूप बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आई बॉट दिस हैट. अभी घूमते हैं, वॉक लेते हैं. ये ओल्ड टाउन है यहाँ का, तो शाम को यहाँ की रंगत कुछ अलग ही हो जाती है, बट दिन में भी बहुत सुंदर है. हम कुछ फोटोग्राफी भी करेंगे अच्छे से बढ़िया और आपको घुमाएंगे साथ में. लेट्स गो. बहुत सारी चीज़ें जो कि टेम्पटिंग है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खरीद लिया जाए. बाय द वे, बड़े सुंदर सुंदर बैग्स हैं. आई सॉ दिस शॉप और आई कांट रेजिस्ट क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा एंड आई गॉट इट. तो यहाँ पे क्योंकि ना येलो वॉल है और बहुत ही कलरफुल एकदम ही एनवायरनमेंट है आसपास, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था ड्रेस और मैंने ले लिया. दिस इज़ जस्ट फॉर रुपीज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से 600 रुपये का. इट्स वेरी नाइस ब्रीदेबल ए गुड. सो या आई गॉट दिस फ्रॉम दिस शॉप, थैंक यू. यहाँ पे जो भी ये इनका जो आर्किटेक्चर है, मतलब जो ऐसा ओल्ड टाउन पूरा फील दे रहा है, लाइक बहुत सही है यार. और पूरा मेंटेन रखा है, आई थिंक इन्होंने कितने टाइम से ये होगा और ऐसा ही मेंटेन रखा है. दैट्स अ गुड थिंग. एंड मैं तुझे यहाँ पे एक कैफ़े लेके जाऊँगी जहाँ पे ना ऊपर से पूरा ये टाउन दिखता है. चलेंगे हम. ओके. सो एक्चुअली गाइस, साथ साथ में हमारा प्री वेडिंग भी चल रहा है यहाँ पे. और ये इन्होंने तोड़ दिया. टूट गया सर जी, ऐसा मत करो. Enjoy my drink and we'll see you later.
ओके, तो ये है होयन का मार्केट। यहाँ पे रात को ऑब्वियसली हर जगह जो है वियतनाम में रात को रौनक अलग रहती है, तो दिन में आप ये देख सकते हैं दिस इज़ द मार्केट। ये पूरा ओल्ड टाउन वाला एरिया है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट से कैफेज स्टोर्स एंड सो मच टू सी। और हम यहाँ से आए वॉक करके। आप यहाँ पे साइकिल भी रेंट कर सकते हो, बाइक भी रेंट कर सकते हो, एंड ईजिली यू कैन रोम अराउंड द प्लेसेस। सो या दैट्स दैट। अभी इसके अंदर हम सोच रहे हैं चलते हैं और देखते हैं लोकल फूड में कुछ ट्राई करेंगे, आई मीन वेज ऑप्शन सर्च करके। सो लेट्स गो इनसाइड, लेट्स सी। हम बनवा रहे हैं यहाँ पे हैमबर्गर इनसे, और हमने इनको बोला है वेजिटेरियन। वैसे इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शन है, वीगन ऑप्शन, लाइक ऑब्वियसली क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो इनके पास है बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक स्टर फ्राइड, पो, फिर नूडल सूप वेजिटेरियन, नूडल वेजिटेरियन, ये सारे इनके वीगन वाले ऑप्शन हैं। गुड। सो आंटी जी ने हमें ये बना के दिया है सारे घास फूस डाल के, टोफू भी डलवाया है, लेट्स सी कैसा है। बहुत पीछे ध्यान देना। गुड, एक नंबर। इट्स गुड। हरी मिर्ची बहुत तीखी है। तूने क्यों डाल ली? अभी यहाँ पे स्वीट डिश के लिए वी आर गोइंग टू हैव बनाना नटेला पैनकेक एंड आई लाइक इट। सो गया हमारा पैनकेक, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी बढ़िया जैसा क्रिस्पी चाहिए था वैसा नहीं बनाया शायद। Like Indian music. Kiss Pops. Yeah. Good. And you give me pizza. Hey. Yeah. Hey. Sit down and fan. Yeah. Fancy, you big chair for all gather. Yeah. Oh no, careful. Okay, no. No, later. Guys, so अभी हम जा रहे हैं कोकोनट विलेज, जो कि आपने वियतनाम के ऐसे वीडियोस में और उसमें देखा होगा, बैम्बू कोकोनट के ऐसे बोट होते हैं और उसमें आपको बिठा के ऐसे राउंड 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 घुमाया जाता है, तो इट्स वेरी फन। सो वी आर गोइंग देयर एंड फन फैक्ट, वी आर गोइंग बाय बोट, या जो कि 40 मिनट्स लगेगा बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता 40 मिनट लगेगा, है ना, अब कम ही लगेगा ये बोलते हैं बस ये लोग, 40 मिनट्स तो नहीं लगने वाला है, 30 मिनट्स बाय रोड दिखा रहा था, बोट में तो और कम टाइम लगेगा आई एम श्योर। तो लेट्स गो।
got you something also. Wow. इधर आते को भी रिंग पहना. ग्रुप ग्रुप. ऐसे तो हमारी शादी फिक्स हो गई है वापस, पर फिर भी. Will you marry me? I will think about it. I will think about it. You will think about it. Yes. Oh my God, very bad. How was your experience with the? It was good. Bamboo boat. It was really good. मजा आया, fun. वहाँ तक गए थे हम, फिर वहाँ पे थोड़ा ऐसे देखा सब, और बहुत ही ट्रिपी था मेरे लिए तो after two drinks. शाम होते ही देखो नज़ारा ही बदल गया है यहाँ पे. एंड वी जस्ट केम फ्रॉम आवर बोट राइड और बहुत मज़ा आया. ऐसे सनसेट का टाइम था और बेस्ट डिसीजन ये था कि हम पहले चले गए, क्योंकि अब जो है अब सब के सब जाएंगे, अब सब बोट राइड के लिए जाएंगे और अब भसड़ हो जाएगी वहाँ पे. तो हमने बहुत सही किया कि हम पहले चले गए, और हमें काफ़ी सस्ते में उन्होंने हायर. दो घंटे हो गए, 6 बज गया, और हमें 2 घंटे घुमाया. मतलब यहाँ से 40 मिनट लेके गए कोकोनट विलेज तक, फिर वहाँ से वापस लेके आए और वहाँ पे बोट कोकोनट जो बोट होती है उस पर राइड कराई. बस ग्रेट डील. तो या अभी हम जस्ट वॉक लेंगे आसपास, और फिर बस अब तो माहौल ही चेंज हो गया. अब शाम को एकदम भीड़ ही भीड़ हो गई यहाँ पे. कहाँ था वो